हेलो दोस्तों, एक 12 एम्पियर का चार्जर है, ये ऑन हो रहा है, एम्पियर नहीं मिल रहा है, कोई लोड नहीं है। आपको देखा था वो, मैंने 48 वोल्ट दे दिया, एसी देने के साथ ये दोनों एलईडी जल गया, रिले काम नहीं कर रहा था। मैंने यह ट्रांजिस्टर को शॉर्ट कर दिया, रिले काम करने लगा, लेकिन एम्पियर कोई एम्पियर नहीं आ रहा है। मैंने 200 वाट बल्ब में दे दिया, देखिए यहाँ पर मेरा 200 वाट बल्ब, इसमें कोई लोड नहीं है। इसमें वोल्टेज तो हर जगह सब ठीक ही है, देखिए पहले जो 10 वोल्ट बनता है वो देखिए 10 वोल्ट बन रहा है, यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट, आईसी भी ऑन हो रहा है, यहाँ पर आईसी पर यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 12 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2.11 वोल्ट जो TL431 यहाँ पर भी ठीक है, आईसी ऑन भी हो रहा है। यहाँ पर देखिए आईसी ऑन जो पिन है उसमें 9 नंबर पिन, यहाँ पर 1.36 वोल्ट देख रहा है, थोड़ा और भी ज़्यादा आ रहा आना चाहिए था लेकिन ये आर नहीं रहा, ठीक है। इसमें जो फॉल्ट मुझे मिली, मैं 5-10 मिनट इधर उधर चेक करने के बाद मेरा मीटर को देखिए, जो 10 वोल्ट बनता है वो उसका काम 5 वोल्ट बनाना है, यहाँ पर देखिए 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट बनाना चाहिए था, यहाँ पर 6.8 वोल्ट, मैंने 1 वोल्ट भी नहीं बन रहा है। तो मैं इसको खोल के एक 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी लगा कर देखता हूँ, ठीक है दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए लोड नहीं लेने का बहुत कारण होता है, ये एक कारण, एक प्रॉब्लम है जो देख रहा हूँ, इसके बिना भी यहाँ पर पीएफ शॉर्ट होने से, इधर पीएफ शॉर्ट होने से लोड नहीं ले लेता है। इसको खोल लिया, 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी एक नया लगाता हूँ, एक नया ले लिया, ठीक है दोस्तों, इसको मैं पर डाल देता हूँ।
आपके लिए, आपको लिए जो वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादातर मैंने जब फंस जाता हूँ कोई काम में जो थोड़ा क्रिटिकल होता है उसका ऊपर मैंने वीडियो बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों। जो नॉर्मल गड़बड़ी है उसका वीडियो मैं ज़्यादातर नहीं बनाता हूँ। जो गड़बड़ी मुझे भी थोड़ा परेशान करती है ज़्यादातर उसका वीडियो मैं बना रख के आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। अभी भी मैं इसको लगा नहीं पाया, थोड़ा जो लगाना पड़ेगा। इसका पिन थोड़ा मोटा है, मैंने लगा लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कितने वोल्टेज आते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने तो लगा लिया, 5 वोल्ट आ गया, देखिए। फाइव वोल्ट मिल चुका है, मुझे लगता है अभी तो ठीक हो जाएगा। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना। मैं रिले के लिए जो ट्रांजिस्टर को शॉर्ट किया हुआ था उसको भी खोल देता हूँ। खोल दिया दोस्तों, अब लाइन देकर देखता हूँ। लाइन ले लिया, मेरे 208 बल्ब आप देख लीजिए,
ये देखिए ग्लो कर लिया, इसका मतलब ये अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। और फाइनली डायरेक्ट लाइन देकर देखता हूँ, लाइन ले लिया। इसका कोई एलईडी, दो एलईडी, रेड एलईडी बिना कोई जल नहीं रहा था, 30% भी ब्लिंक नहीं कर रहा था, पंखा तो नहीं चल रहा था, अब 30% ब्लिंक कर रहा है, पंखा भी चलने लगा है। देखिए पंखा चलने लगा है, एमपी में एम्पियर मीटर में देखिए 12 वोल्ट आ गया है। ठीक है दोस्तों, आज रखता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है। अच्छा।